इज़ वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले मशीन इनपुट का पार्ट ए, ठीक है। इसके पहले मैंने आप लोग को 7 पार्ट पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों ने ये 7ों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक रहेगा हमारा बॉक्स वाला, जिसको मैंने 7th पार्ट में भी पढ़ाया था, आज हम फिर से 8th पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आप लोग की इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। और एक हम करेंगे शिफ्टिंग वेस्ट, ठीक है। मैंने आप लोग को पहली क्लास में बताया था कि मशीन इनपुट पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रहता है अरेंजमेंट बेस्ड, एक रहता है शिफ्टिंग बेस्ड। अरेंजमेंट बेस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। शिफ्टिंग बेस बचा है, ये आज हम पढ़ लेंगे। शिफ्टिंग बेस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ अरेंजमेंट बेस्ड ही पूछा जाता है, ये आजकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, पर पहले पूछा जाता था, तो हम इसे एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि शिफ्टिंग बेस क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। आप ये देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, हमारा होमवर्क था, इस होमवर्क को मैंने दिया था, इसका मैंने आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे पूरा ला दिया है, ठीक है। सॉल्व करके मैंने यहाँ पे ले आया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने जो होमवर्क दिया था उसे आप लोग सॉल्व करे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसे आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने बॉक्स वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बॉक्स वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे है 2 और 1, ये इनपुट है, ठीक है। मैं अभी क्या लिख रही हूँ, इनपुट लिख रही हूँ, ये 5, 7, और ये है 3 और 2, ये है 9 और 5, ये है 2 और 3, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या आता है, 4, 3, 27, 30, 15 और 14। अब मैंने आप लोग को कल सिखाया था ये कि अगर ये 6 बॉक्स बने हुए रहते हैं, हम क्या करते हैं, पेयर में चेक करेंगे। पेयर में अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है तो हम पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, और तीसरे का छठवें के साथ, ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का छठवें के साथ। और अगर ये दोनों भी नहीं मिलता तो क्या रहता है, पहले वाले का लास्ट वाले के साथ, ठीक है, दूसरे वाले का सेकंड लास्ट के साथ, और दोनों का बीच वाले के साथ, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐसे पेयर चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 2, 1 का 3, 6 के साथ कुछ मिल रहा है क्या, ठीक है। 2, 1 और ये 3, 6, इन दोनों का हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चेक करते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब, ये सब हम चेक करते हैं, ठीक है, नंबर्स में। अब मैं देखूंगी 2 का 3 के साथ कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। 6 आएगा 6 है क्या, नहीं। 3 और 1 4, ये तो मिल रहा, पर 6 2 8 मिल रहा है क्या, नहीं। अगर 48 रहता तो हम लगा देते, कैसे लगाते, 3 और 1 4, 6 और 2 8, ऐसे, ठीक है। पर 43 है तो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2 3 6 आ जाएगा, और 2 6 12 आ जाएगा, मतलब कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब किसका चेक करूँगी, 2 1 का मैं किसके साथ चेक करूँगी, 3 और 2 के साथ, ठीक है। पहले वाले का चेक करूंगी मैं चौथे वाले के साथ, ठीक है। तो 3 2 6, 1, ये 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आ रहा है क्या, नहीं। 2 और 3 5, नहीं। 2 और 2 4 आ रहा है, और 3 और 1 भी 4 आ रहा है, तो ये फॉलो करेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले वाले का चेक करूंगी किस में, लास्ट वाले के साथ, ठीक है, मतलब 2 1 का चेक करेंगे हम 2 3 के साथ, ठीक है। अब मैंने जैसे ही लिखा 2 1 2 और 3, मुझे देखते ही समझ में आ जाएगा 4 कैसे आएगा, 2 2 4, 3 1 3, ठीक है। इसका इसके साथ, पहले वाले का पहले वाले के साथ, लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, ठीक है। और क्या किया है इसने, इनटू किया है, ठीक है। अगर मैं ऐड कर देती तो 2 और 2 4 हो जाते, और 1 और 3 भी 4 हो जाते, पर हमें क्या चाहिए, 4 और 3, मतलब मल्टीप्लाई किया है इसने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे भी चेक करते हैं क्या कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, ठीक है। अब चेक करती हूँ मैं 3 6 का किसके साथ होगा, 2 1 का हो गया 2 3 के साथ, तो 3 6 का होगा 9 5 के साथ, ठीक है। ये आ गया 9 और ये आ गया 5। अब मैं देख सकती हूँ 9 3 27, 6 5 30, बिल्कुल फॉलो कर रहा है मल्टीप्लाई इसमें। अब लास्ट वाले को हम देखते हैं कि क्या लास्ट वाला भी फॉलो कर रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, 5 7 और 3 2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 5 7 और 3 और 2, ठीक है। तो 5 3 15, 7 2 14, मतलब ये भी फॉलो
कर रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे आया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया है पहले वाले का लास्ट वाले के साथ, दूसरे वाले का सेकेंड लेस और तीसरे वाले का थर्ड लास्ट के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, ठीक है। तो दूसरा स्टेप मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे दूसरा स्टेप 08, फिर लिखा मैंने 1 और 3, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है, इन तीनों को मिला के हमें क्या लाना है, ये दो बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। 08 आना चाहिए और 1 और 3 आना चाहिए। अब कैसे आ सकता है, अगर मैं ये पहले पहले वाले को लूँ तो क्या आ जाएगा, 27 15 4, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये तो ज़्यादा आ जाएगा, 08 तो आएगा नहीं इसमें से, 27। अगर मैं इन चारों को एडिशन कर दूँगी तो 27 और 15 तो क्या कभी 8 आ पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। इनटू करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। हमें ये तो ध्यान देना नहीं, हमने देखा जैसे ही मुझे 4 27 15 दिखा, अब इसमें एडिशन और मल्टीप्लाई तो चली गई नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, संख्या को बढ़ा देते हैं। अगर मैं इन लोग को ऐड कर दूंगी तो क्या कभी 8 मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं। इनटू कर दूंगी तो क्या कभी 8 मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं, ये तो और लंबा चला जाएगा। तो जब भी हमें कम दिखता है, ये हमारी एक ट्रिक है, हम क्या करेंगे, जब भी हमें नंबर्स कम लाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, अब 4 27 और 15 से मुझे 08 लाना है, कम लाना है तो माइनस या डिवाइड, ठीक है, और ज़्यादा लाना रहेगा तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ज़्यादा लाना रहेगा तो हम जोड़ देंगे या तो गुणा कर देंगे, कम लाना रहेगा तो घटा देंगे या तो भाग कर देंगे, ठीक है। अब मैंने देखा 4 है 27 है और 15 है, इन तीनों को मैं क्या करूँ जिससे की वजह से मेरा क्या आ जाए, 08 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कर दूँगी और डिवाइड कर दूँगी, डिवीज़न होगा क्या, 4 27 और 15 का डिवीज़न होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ प्लस माइनस करके ला सकती हूँ क्या, बिल्कुल ला सकती हूँ। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को मैं क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक है। सबसे बड़े वाले को से हम किसको माइनस कर देंगे, 15 और 4 को। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या, 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो 27 में से 19 जाएगा तो बिल्कुल 8 बच रहा है, 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है। मतलब ये क्या आ गया, ऐसे चल रहा है पैटर्न, ठीक है। अब हम आगे वाले में भी चेक करते हैं कि क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है हमारा, सबसे पहले इसने क्या लिखा, बड़ी वाली संख्या को लिख दिया और दो जो छोटी संख्या बची उसको ऐड करके बड़ी वाली से माइनस कर दिया, ठीक है। क्या किया इसने, ये 27 था बड़ी वाली संख्या, उसमें से इसने माइनस कर दिया किसको, 15 और जो 4 छोटी वाली संख्या थी उसके एडिशन को, ठीक है। तो 27 में से 19 गया तो 8 आ गया था हमारा, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, 08। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को भी चेक करते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या है दूसरे वाले में, 3 है 30 है और क्या है 14 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 30 आ गया, ठीक है भैया। 30 में से किसको माइनस करेंगे, 14 को और 3 के एडिशन को, 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया। तो 10 में से 7 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, बिल्कुल 13 मिल रहा है। मतलब ये पैटर्न क्या है, फॉलो कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, दूसरे स्टेप तक का कैसे आया समझ में आया। अब चलते हम अपने तीसरे स्टेप को लिखने, ठीक है। तीसरे स्टेप को लिखते हैं हम, तीसरा स्टेप दिया है, मान लो तीसरा स्टेप है मेरा 19 और 14, ठीक है। अब 19 और 14 कैसे आया, अब ये दो में से मुझे 2 ही मिल रहे हैं, मतलब क्या है, 08 से ही मिला के 19 बना है और 13 से मिला के ही 14 बना है, ठीक है। 08 से मिला के ही 19 बना है और 13 से मिला के 14 बना है, ठीक है। इसमें तो एक ऐड दिख रहा है मुझे कि 1 ऐड हो गया, 13 और 1 14 होता है, पर इसमें क्या दिख रहा है, इसमें तो एक ऐड नहीं हुआ है, मतलब ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब 13 और 14 और 8 और 9 को देख के क्या समझ में आएगा, 8 से 19 कैसे आ सकता है, कुछ प्लस कर देंगे पर ये तो बरोबर प्लस होगा नहीं, इसमें एक प्लस हुआ है, इसमें कुछ और प्लस हुआ है, ठीक है। तो ये चलेगा क्या, नहीं, माइनस भी नहीं हो सकता, इंटू भी नहीं हो सकता। 8 0 0 आना चाहिए था, 1 3 3 1 3 आना चाहिए था, ठीक है। और 8 और 0 को जोड़ती तो 8 आता, 3 और 1 को जोड़ती तो 4 आता। तो ये कर रहा है क्या, फॉलो नहीं कर रहा है। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ना प्लस फॉलो करे, ना माइनस फॉलो करे, ना इंटू ना डिवीज़न, ना स्क्वायर ना क्यूब, तब हम क्या करेंगे, एक काम हम क्या कर सकते हैं, 08 और 13 है उस
किसकी प्लेस वैल्यू होती है इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। 08 किसकी प्लेस वैल्यू हो सकती है, घर से GH 7-8, ठीक है, तो H का आ गया 13, मन से MN, ठीक है, M की वैल्यू 13 आ गई, H की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है भैया। अब H की वैल्यू या तो डायरेक्ट वो लेटर लिख दिया रहता, पर लेटर तो लिखा नहीं है, तो अब क्या करते हैं हम इसका अपोजिट देखते हैं। इसका H का अपोजिट क्या होता है, S। S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19, बिल्कुल हो सकता है। M का प्लेस वैल्यू 13, M का अपोजिट N, N की प्लेस वैल्यू 14, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। क्या समझ में आया, अगर ऐसा नंबर दिख जाए जिससे कि ना प्लस माइनस इंटू और डिवाइड चारों फॉलो ना करे, स्क्वायर क्यूब भी फॉलो ना करे, तो हम क्या देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ही कुछ कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं हम अपने चौथे स्टेप की तरफ, ठीक है। तीसरा स्टेप समझ में आना, क्या किया इसने, 8 का, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की, H का अपोजिट S, S की प्लेस वैल्यू 19, ठीक है। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, M की, M का अपोजिट N, N की प्लेस वैल्यू 14, ऐसे इसने लिख दिया। अब लिखती हूँ मैं चौथा स्टेप को, ठीक है। चौथा स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे प्लस इधर जगह नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया चौथा स्टेप 1 और 5, ठीक है। अब ये 1 5 कैसे आया, 1 5 कैसे आया, 1 5 को हम देखते हैं भैया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 और 9, 1 और 4। अब मैं देखती हूँ प्लस करके, पर ये दोनों को मिला के क्या बना है, 1 बना है, 15, ठीक है, मतलब ये दोनों को साथ में इसने कुछ किया है, ठीक है। तो मैं क्या देख सकती हूँ, 19 और 14 को अगर ऐड कर दूँ तो 9 4 13, हंसी लाई 1 1 2 3, 33 आ रहा है। 33 का कुछ बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, 15 आना चाहिए। अब देखती हूँ प्लस नहीं आया, माइनस, माइनस तो हो ही नहीं सकता, 5 आ रहा है, 19 में से 14 गया, तो बट मुझे तो 15 चाहिए। इनटू कर सकती हूँ, 1 1 कम 1, 9 चौक 36, बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्या कर सकती हूँ मैं, 4 1 कम 4, 9 1 कम 9, बिल्कुल नहीं आ रहा, 49, और क्या हो सकता है, डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, क्यूब वगैरह हो सकता है क्या, स्क्वायर क्यूब, बिल्कुल नहीं हो सकता, 1 तो आ जाएगा, पर 5 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अब क्या हो सकता है, अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड 19 और 14 है, अभी तो मैंने प्लेस वैल्यू से लाया था 19 और 14, मतलब 8 और 13 से रिलेटेड कुछ है, तो 13 और 8 को मिला के 15 बन रहा है क्या, कुछ भी करेंगे तो, बिल्कुल नहीं। अब क्या हो सकता है, जब ये सब फॉलो ना करे तो एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारा, वो क्या रहता है, सारे डिजिट्स का एडिशन, ठीक है। क्या निकल के आता है, सारे डिजिट्स का एडिशन। अब हम देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। हमने क्या किया, सारे डिजिट्स का एडिशन ले लिया, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक आप लोग को पता चल गई कि ये भी हो सकता है। अब पांचवा स्टेप कैसे आया, चौथा स्टेप समझ आया, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, ठीक है। इससे क्या आ गया मेरा, 15 आ गया। अब 15 से इसने पाँचवें स्टेप में लिख दिया L, ठीक है। पांचवें स्टेप में क्या लिखा इसने, L। तो अब L देख के तो समझ आ जाएगा, क्या समझ आ जाएगा कि ये क्या है, कुछ प्लेस वैल्यू का ही लफड़ा है, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा कि ये किसका पंगा है, प्लेस वैल्यू का ही पंगा है। अब 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, O की, O का अपोजिट L, ठीक है। 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, O की, O का अपोजिट L, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया, क्या क्या सीखा हमने, पहले स्टेप पर क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 2 1 का 2 3 के साथ, ठीक है। तो 2 2 4, 3 1 3, ऐसा आया। दूसरे स्टेप में इसने क्या किया, बड़ी वाली संख्या से इसने 2 छोटी वाली संख्या का एडिशन करके माइनस कर दिया, ठीक है। तीसरे में क्या लिया मैंने, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की, H का अपोजिट S, जिसकी प्लेस वैल्यू 19। चौथे में क्या किया हमने, सबका एडिशन कर दिया। पाँचवें में क्या किया हमने, ये किसकी प्लेस वैल्यू होती है, O की, O का अपोजिट L, तो हमने लिख लिया L, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग को पसंद आया होगा। मशीन इनपुट का बॉक्स वाला हमने एक और पैटर्न सीख लिया, ठीक है। कल हमने एक पैटर्न सीखा था, उसमें जो जो ट्रिक्स थी आप उसे लिख के रख लीजिएगा कॉपी पे। आज हमने जो सीखा उसमें जो जो ट्रिक्स सीखी उसे भी आप लिख के रख लीजिएगा कि ये पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। एडिशन हो सकता है, अपोजिशन का केस आ सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है।
और स्क्वायर हो सकता है, ये सब आप लिख के रख लेना कॉपी पे, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में। अब चलते हैं हम अपने शिफ्टिंग बेस वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या लिखा, इनपुट लिखा है हीना माई नॉट टू शी ऑन, ठीक है। अब पहला स्टेप लिखा है इसने ऑन सी टू नॉट माई हीना। अब ऑन कैसे आ गया, इनपुट दिख रहा है मुझे एच एम एन टी एस ओ, ठीक है। हम सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि ये क्या है, शिफ्टिंग है या अरेंजमेंट है। तो शिफ्टिंग में क्या लिखा रहेगा, एन सो एन लिखा ही दिखेगा आपको, यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा, मतलब ये क्या है शिफ्टिंग बेस। अगर कुछ भी लिखा ना हो तो वो अरेंजमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। तो एन सो एन सो ऑन दिख गया, मतलब क्या है ये शिफ्टिंग बेस्ड है, ठीक है। अब मैंने ये देखा, उसके बाद इसने क्या किया, पहला स्टेप ये इनपुट था, इसने पहला स्टेप क्या ले लिया, ओ एस टी एन एम एच, ये पहले एच आना चाहिए था, ओ आ गया, मतलब लास्ट वाला पहले आ गया, और लास्ट में ओ आना चाहिए था तो एच आ गया, फिर ये एस इधर आ गया, एम इधर, टी इधर, एन इधर, मतलब इसने क्या किया रिवर्स पे लिख दिया। पहले स्टेप में इसने क्या लिया, रिवर्स कर दिया, ओ एस टी एन एम एच इधर से चलते हुए इसको इसने लिख दिया। दूसरे स्टेप में इसने क्या किया, दूसरे स्टेप पे क्या किया, इसने पहले टी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा उसने, ऑन सी नॉट माई हीना, टी यहाँ पे आ गया, बाकी सबको क्या किया इसने वैसे ही अरेंज कर दिया, ठीक है भैया। तीसरे स्टेप में क्या लिखा इसने, एच एम एन एस ओ टी, फिर क्या किया इसने, अब मैं देख सकती हूँ इसने क्या किया, एच था एच लिख दिया, एम था एम लिख दिया, एन था एन लिख दिया, एस था एस लिख दिया, ओ था ओ लिख दिया, टी था टी लिख दिया, मतलब इसने इसने लिखा रिवर्स, इसमें लिखा इसने थर्ड लेटर को पहले, इसमें लिखा इसने रिवर्स, ठीक है। फिर चौथे स्टेप में क्या लिख रहा है ये, एन पहले, मतलब फिर क्या लिखा इसने, थर्ड स्टेप को लिख दिया, ठीक है, थर्ड लेटर को लिख दिया पहले, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, पहले रिवर्स चल रहा है, फिर थर्ड चल रहा है, फिर रिवर्स चल रहा है, फिर थर्ड, मतलब अगर कोई एक ऐसी शिफ्ट चलती है तो वो क्या रहता है हमारा, शिफ्टिंग बेस्ड रहता है, ठीक है। ऐसी अगर कोई शिफ्ट रहती है तो वो क्या रहता है हमारा, शिफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसमें ऐसा ही कुछ शिफ्ट चलता रहता है, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये क्या होता है कभी स्टेप्स इसके ख़त्म नहीं होते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना स्टेप में क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन में कितने स्टेप हैं, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं चार स्टेप है, तो हम सॉल्व करते समय कितने बनाएंगे, इसका डबल और मैक्सिमम 10, ठीक है। 10 से ज़्यादा स्टेप्स हम नहीं बनाते हैं, 4 का डबल। इसमें स्टेप में कितने क्वेश्चन में कितने स्टेप बने हुए हैं, 4, तो हम 8 बना लेंगे अपने जो हमारा क्वेश्चन आएगा उस पर, ठीक है। और अगर 5 बने होते तो हम 10 बनाते, पर 6 बने होते तो हम 12 नहीं बनाएंगे, 6 बने होंगे फिर भी हम 10 ही बनाएंगे, ठीक है। 10 से ज़्यादा हमको नहीं बनाना है, ठीक है, ये बात समझ में आई। और एक बात क्या ध्यान रखने वाली, चलिए पहले जल्द हम अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ये रहा, आप देख सकते हैं पहले वाले में क्या लिखा था, एच एम एन टी एस ओ, ठीक है, हीना माई नॉट टू सी ऑन ऐसा लिखा हुआ था। इसमें कितने लेटर वो हैं, वर्ड्स 6, तो क्वेश्चन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने वर्ड्स हैं, 6, अमर पार्ट ईट पेन ही बर्ड, ठीक है, कितने दिख रहे हैं यहाँ पे भी 6, मतलब ये 6 हैं, ये भी 6 हैं, तो इसका क्या बनेगा, कौन इनपुट का स्टेप बनेगा। पर अगर यहाँ पे मान लो ये वाई करके कुछ और लिखा होता, ठीक है, तो इसमें 7 हो जाते, तो कभी भी इसका हम बना सकते थे क्या, नहीं, मतलब जितने क्या रहेंगे वर्ड्स लेटर नंबर कुछ भी जो हैं वो स्टेप में क्वेश्चन पे रहेंगे, वही क्या होना चाहिए हमारे इस पर भी रहना चाहिए, ठीक है। स्टेप पे जो इनपुट लिखा रहता है उसमें जितने स्टेप रहेंगे उतने ही हमारे क्वेश्चन वाले इनपुट पे भी रहना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आएगी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब यहाँ पे अमन पार्ट ईट पेन ही बट लिखा हुआ है, अब मैं इसको ऐसा नहीं लिखूँगी कि पहले बी लिखूँगी फिर एच लिखूँगी फिर पी लिखूँगी, नहीं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या रहेगा, पहले स्टेप में क्या आ जाएगा ये 6 5 4 3 2 1, दूसरे स्टेप में क्या आ जाएगा, तीसरा वाला पहले आ गया बाकी सब एज इट इज़ आ गया 3 2 1, फिर तीसरे स्टेप में क्या रहेगा, फिर रिवर्स चलेगा 1 2 3 5 6 4, फिर चौथे स्टेप में क्या आ जाएगा, तीसरा वाला पहले आ जाएगा 3 है बाकी सब एज इट इज़ 1 2
5, 6, 4। फिर पाँचवें स्टेप में क्या चलेगा, फिर रिवर्स चलेगा, मतलब 4, 6, 5, 2, 1, 3। फिर सातवें स्टेप पे क्या चलेगा, सॉरी छठवें स्टेप पे क्या चलेगा, फिर तीसरा वाला पहले आ जाएगा 5, बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, सातवें स्टेप में फिर रिवर्स हो जाएगा, 3, 1, 2, 6, 4, 5। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, समझ में आएगी इसको कैसे करना है। ठीक है भैया, अब पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा, फाइंड द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट इन स्टेप 6। ठीक है, छठवा स्टेप कौन सा है, ये है हमारा छठवा स्टेप। इसमें क्या पूछा, राइट साइड से चौथा, मतलब 1, 2, 3, 4, 6। अब 6 किसका नंबर है, बी का, मतलब बर्ट का। तो क्या आ गया, 6 आंसर क्या आ जाएगा, बर्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, फाइंड द थर्ड स्टेप ऑफ अरेंजमेंट। थर्ड स्टेप ये रहा, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, एक की जगह पे आ जाएगा ए वाला, ठीक है, दो की जगह पे आ जाएगा बी, तीन की जगह पे आ जाएगा आई, पाँच की जगह पे आ जाएगा एच, छः की जगह पे आ जाएगा बी, और 4 की जगह पे आ जाएगा पी। ये जहाँ पे लिखा हुआ दिख गया वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा इसी ऑर्डर पे। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा हुआ है, फोर्थ स्टेप अगर इट इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ है। ठीक है, फोर्थ स्टेप ये है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनपुट। हमें क्या करना है, इसका इनपुट ढूंढना है। तो चौथा स्टेप जब दिया हुआ है, मतलब चौथा स्टेप ये है हमारा, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इट इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ का ऑर्डर क्या हो गया, 3, 1, 2, 5, 6, 4। ठीक है, इट इट का मतलब है 3, इस का मतलब है 1, ठीक है, गुड का मतलब है 2, फॉर का मतलब है 5, ऐसा लिखा हुआ है समझ लो। ठीक है, अब फाइंड द इनपुट, तो इनपुट हम इसको कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 इसको अरेंज कर देंगे और वो क्या रहेगा, हमारा इनपुट निकल जाएगा, वैसे ही सेकेंड स्टेप भी निकल जाएगा। ठीक है, ये आ गया सिर्फ शिफ्टिंग बेस, इतना ही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, पर अगर जब हम अरेंजमेंट वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसमें कभी भी आप कोई भी स्टेप दिया रहता है, उससे आप कभी भी इनपुट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या आ जाता है, सी एंड डी आता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, मैंने अरेंजमेंट बेस पे कोई सा आपको स्टेप दे दिया, मान लो इफ़ सेकंड स्टेप इज़ ये है। ठीक है, मान लो यही था, क्या लिखा हुआ था, इट इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था, तो ये इनपुट अपने से निकाल पाएंगे क्या अरेंजमेंट पे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अरेंजमेंट में इसका आंसर क्या आ जाता है, सी एंड डी। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पे एंड अप करते हैं। मैंने आप लोगों को मशीन इनपुट का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इससे जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, हमने वो सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, और मशीन इनपुट अब जिस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड अप करते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, कल से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल मुलाकात होगी फिर एक नए चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं कल, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।